हमारे यहाँ फर्नीचर पलंग सिंगारदान सोफा सेट अलमारी डाइनिंग टेबल फ्रिज कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सिविल सर्जन नांदेड़ ने जिले नांदेड़ के लिए कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि जिले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में जेरे इलाज कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीजों में से 1387 मरीज अच्छे हुए हैं और डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जिले नांदेड़ में जुमला 6150 नमूनों की कोरोना जाँच की गई, जिसमें 1664 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 701 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं और बाकी पॉजिटिव नांदेड़ के मुख्तलिफ तालुकों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें 13 मरीज़ों का ताल्लुक नांदेड़ से बतलाया जाता है। ज़िले नांदेड़ में साल गुज़िश्ता से लेकर अब तक 46578 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ अच्छे हुए हैं, जबकि अब तक जुमला 61072 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। कोरोना से ज़िले नांदेड़ में 1130 मरीज़ों की मौत हो चुकी है। अभी सरकारी और खानगी अस्पतालों में जुमला 13107 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज़ देर इलाज है। इनमें 204 मरीजों की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। इंजेक्शन कुछ भी आना एडमिट कर नांदेड़ के जिला कलेक्टर ने इस बात का इकरार किया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि गर्जमंद कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ये इंजेक्शन ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे मरीजों के रिश्तेदार इस इंजेक्शन के लिए दफ्तर कलेक्टर पहुंच गए थे। इस पर ज़िला कलेक्टर ने कहा कि जिनके सीटी स्कैन में 9 से ज़ायद% बतलाया और ऑक्सीजन की कमी हो तो इस इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। इन्होंने ये भी कहा कि देखा यह जा रहा है कि खानगी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों के रिश्तेदार इस इंजेक्शन के लिए डॉक्टर्स पर दबाव डाल रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में हुकूमत की नई गाइडलाइन आ चुकी है और इसके तहत काम किया जाएगा। ज़िला कलेक्टर ने कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों के रिश्तेदार से कहा कि वो डॉक्टर्स पर भरोसा रखें, खुद डॉक्टर ना बने। सर मी मंगल संघवी कंधार तालुका मंगल संघवी गाँव है आमचं। तर मी रात्रीपासून ऍडमिट केले। रात्री आम्हाला लेटर दिले डॉक्टर साहेबांनी रेमडेसिविर इंजेक्शन 6 घेऊन या म्हणून। रात्रीपासून फिरत आहे नांदेडमध्ये, रेमडेसिविर इंजेक्शन कुठे भेटत नाहीत। मी खूप परेशान आहे सर कालपासून। कलेक्टर ऑफिसला होता तुम्हाला काय इथं काय सहकार्य करण्यात आले की नाही? कलेक्टर साहेबाला मी भेटलो। कलेक्टर साहेबाला तर पहिल्यांदा मध्ये जाऊ दिलं नाही मला इथं। कलेक्टर साहेबाकडे काही नाही म्हणले इथले पोलीसवाले गेटचे। मग पुन्हा कलेक्टर साहेब बाहेर आले। बाहेर आल्याच्यानंतर त्याला मी लेटर दाखवलं। कलेक्टर साहेब म्हणले जिथं पेशंट आहे तिथं जा म्हणले। मी साहेबाला तिथं सांगतो म्हणले डॉक्टरला। परत मी दवाखान्यामध्ये गेलो। दवाखान्यात गेल्याच्यानंतर डॉक्टर साहेबाला विचारलं साहेबाचा फोन वगैरे आला होता का, मला इंजेक्शन देतो म्हणलेत म्हणलं साहेब। नाही म्हणले आपल्याकडे इंजेक्शन नाहीतच म्हणले उपलब्ध। कलेक्टर साहेबाचा आता दुसरा भेटायसाठी परत आलो। कलेक्टर साहेब नाही तिथं आता करतो की रेमडेसिविर सगळं काही नाही आहे हे लोकांना कुठेतरी कळायला हवं आहे आणि लोकांनी समजून घ्यायला पाहिजे। कारण लोक असं जसं काही रेमडेसिविर द्या रेमडेसिविर द्या, रेमडेसिविर काही पॅरासिटामॉल नाही आहे की ते दिलं तर ताप बरोबर होईल। इट इज जस्ट वन ऑफ द ड्रग विच इज यूज्ड फॉर कोरोना। सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याकडे ऑक्सिजन आहे, आपल्याकडे प्रेडनिसोलॉन देत आहोत आपण, बाकीचे पण टॅबलेट्स वगैरे देत आहोत। त्यामुळे लोकांना मला विनंती आहे की स्वतः तुम्ही डॉक्टर बनवू नका। का दुसरं रेमडे शॉर्टेज आहे का? शॉर्टेज आहे। त्यामुळे गव्हर्नमेंटचे गाईडलाईन्स पण आलेले आहे की कुठे वापरायचं आहे, 9 च्या वर स्कोर असेल, ऑक्सिजन त्याचं 90 च्या खाली असेल तेव्हाच द्यायचं। पण सगळ्यांना वाटतं की सिटी स्कोर 4 आला तरी डॉक्टरांना सांगतात लिहून द्या आणि डॉक्टर पण लिहून देतात। त्यामुळे आपण काल ऑर्डर काढलेला आहे की कोणत्याच डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन बाहेर घेऊन जाता कामा नाही। परंतु असं आम्हाला कळलं की काही पेशंट
डॉक्टर प्रेशर आणून ते लिहून घेतलं ते चुकीचं आहे. तुम्ही लिहून जरी दिलं तरी ते रेमडेसिवीर काही बाहेर भेटणार नाही, कारण आम्ही माझा क्लिअर ऑर्डर आहे की जे 40-45 हॉस्पिटल आहे इन्क्लुडिंग गव्हर्नमेंट तिथेच रेमडेसिवीर भेटणार, बाहेरच्या मेडिकलला रेमडेसिवीर भेटणारच नाही. त्यामुळे तुम्ही जरी प्रिस्क्रिप्शन लिहून घेतलं प्रेशरमध्ये आणि बाहेर फिरलं तर तुम्हाला रेमडेसिवीर भेटणार नाही. आणि कालच एक गाईडलाईन आलेली आहे की रेमडेसिवीरच काही ड्रग ऑफ चॉईस आता नाही राहिलेला आहे, त्यामुळे ऑक्सिजन बाकीचे ट्रीटमेंट आपण देत आहोत, पेशंट बरे होत आहे. त्यामुळे जवळपास आपल्याला नांदेडमध्ये 1400-1500 वायल रोजचे लागणार आहे असं आमचं प्रेडिक्शन आहे. त्यातले 900 ते 1000 पर्यंत येत आहेत, त्यामुळे एवढं पण काही क्रंच आहे. हां, आता सगळेच जर मागत असेल, आता सिव्हिलमध्ये 700 पेशंट, GMC मध्ये 300 पेशंट आणि प्रायव्हेटचे 1000, जर सगळ्यांनाच रेमडेसिवीर लागत नाही, कारण आम्हालाही सिव्हिलमध्ये पण जवळपास 100-125 वायल लागतं, परंतु आमच्याकडे पेशंट 350 ॲडमिट आहे. आमचे डॉक्टर आमचा डिसिजन घेत आहे, तसंच प्रायव्हेटवाल्यांनी पण प्रेशरमध्ये न पडता, कारण लक्षात ठेवा प्रायव्हेट डॉक्टर्सनी की तुमचे ज्यादा प्रेशर गव्हर्नमेंट पे राहत आहे. जेव्हा आमचे गव्हर्नमेंटचे डॉक्टर प्रेशर हँडल करतात त्यांनी पण हँडल करावं, त्यामुळे प्रेशर हँडल करून रॅशनलाइज ट्रीटमेंट देऊन पेशंटला ठीक करावं, नुसतं रेमडेसिवीरच्या पाठीमागे नका लागू अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो. नांदेड के SP और पोलीस के दुसरे आला अहदेदारां की हिदायत पर लोकल क्राइम ब्रांच के पोलीस इन्स्पेक्टर श्री चिखलीकर ने शहर के मुजरिमीन की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए एक स्क्वाड तश्कील दिया था. 13 अप्रैल को ये स्क्वाड शहर में गश्त कर रहा था कि इन्हें खुफिया मालूमात मिली कि एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के हदूद में नंदीग्राम के साकिन गोविंद हरि सिंह पुजारी के पास एक गहोटी पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस है. इस स्क्वाड ने इसकी तलाश शुरू की. गोविंद हरि सिंह पुजारी नंदीग्राम कमान के पास पाया गया. स्क्वाड ने इसको गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से गहोटी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस जब्त किए. मुल्जिम पुजारी के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. LTP की इस कार्रवाई पर SP और पुलिस के आला अहदेदारा ने श्री चिखलीकर और इनके साथी स्क्वाड की सताइश की है. रुकने कानून साज काउंसिल श्री अमर राजुरकर, नांदेड की मेयर मोहिनी एवेनकर ने आज जोन नंबर 8 में पानी की नई पाइपलाइन के काम का संगे बुनियाद रखा. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर व सहाफी मुंतजिबुद्दीन के 10 लाख रुपए फंड से ये काम अंजाम दिया जाएगा. इस नई पाइपलाइन के काम के बाद नई आबादी मखदूम नगर की गली नंबर 11 तक गली नंबर 16 तक पानी की खिल्लत का मसला ख़त्म हो जाएगा. प्रभाग नंबर 8 नई आबादी मखदूम नगर एरिया में पिछले कुछ दिनों से पानी की बहुत तकलीफ़ थी. हमारे इधर 11 नंबर गली, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 से लेकर 16 तक है. इन गलियों में ये एक ही लाइन थी नाना नानी गार्डन की, जिसकी वजह से दोनों तरफ डिवाइडेशन होने की वजह से इस साइड के गलियों में पानी इंतहाई कम आता था. लोग काफ़ी परेशान थे पिछले कई सालों से. लोगों ने मेरे पास आकर इस बारे में कहा. उसके अलावा हमारे महापौर मोहिनीताई एवनकर के पास भी यहाँ के लोग जाकर मुलाकात करे. यहाँ पर मैंने पहले साइट विज़िट कराया और ये तय किया गया कि सिर्फ एक लाइन होने से ये प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर दूसरी और एक पानी की लाइन होना ज़रूरी है. तो मैंने अपनी स्वेच्छा निधि से 10 लाख रुपए इस पानी के काम के लिए दिया और आज हमारे स्थानीय कामदार अमरनाथ भाऊ राजुरकर और महापौर मोहिनीता येवनकर इन्होंने आकर इस काम का आज आगाज़ किया. इंशाल्लाह एक हफ्ते भर में नयाबादी मखदूम नगर के जो गलियों का पानी का मसला था वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा और लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी. भिवंडी में खातून सहाफ़ी के साथ छेड़खानी करने वाले दो मंचलों को पुलिस ने किया गिरफ्तार. औरंगाबाद में मासूम बच्चे को अगवा करके 20 लाख फरौती मांगने वाले मुल्जिम को MIDC पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया. बारह अप्रैल को औरंगाबाद में 24 घंटों के दौरान 1492 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए. 23 की मौत, 1393 मरीज सेहतियाब होकर मकानात को लौट चुके हैं. बारह अप्रैल को जालना में 24 घंटों के दौरान 768 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं. 5 की मौत, 580 मरीज सेहतियाब होकर मकानात को लौट चुके हैं. पैटर्न में रमज़ान में पीने के पानी फराहमी का वक्त तब्दील करने का मुतालबा. अजंता में गोदाम में लगी भयानक आग, 23 लाख का सामान जलकर खाक.
महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं के इम्तिहान मुलतवी, मई में 10वीं के और जून में 12वीं के इम्तिहान होंगे। मागील काही दिवसापासून कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे। 10वी आणि 12वी हा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनामधला महत्त्वाचा टप्पा आहे। अगोदरच अभ्यासाचा तणाव, त्यातच रुग्णांची वाढणारी संख्या हाही एक मोठा चिंतेचा विषय झालेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये परीक्षा कशी द्यायची हा सर्वांसमोर महत्त्वाचा प्रश्न आहे। आज राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहेब यांच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आज चर्चा झाली आणि आम्ही काही निर्णय घेतलेले आहेत। 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचं आरोग्य ही आमची सर्वप्रथम महाविकास आघाडीची प्राथमिकता आहे आणि म्हणूनच 10वी आणि 12वीच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या पुढे ढकलण्यासंदर्भामधला निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। 10वीची परीक्षा सर्वसाधारणपणे जून महिन्यात होईल आणि 12वीची परीक्षा ही मेच्या शेवटी होईल की जेणेकरून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं कुठलंही नुकसान होऊ नये या गोष्टीवर आमचा भर राहील। ही चर्चा करत असताना मधील काळामध्ये सर्व लोकप्रतिनिधी, त्या ठिकाणी असलेले शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, मुख्याध्यापक, TCS, गुगल यांनी सुद्धा यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्हाला ज्या सूचना दिल्या होत्या त्या आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना सांगितल्या। या व्यतिरिक्त जे इतरही बोर्ड आहेत त्या बोर्डांना सुद्धा आम्ही सांगणार आहोत की राज्य शासनाच्या बोर्डाने जो निर्णय घेतलेला आहे तो आपण इतर बोर्डांनी स्वीकारावा असं सुद्धा आता या ठिकाणी त्यांना सांगण्यात येईल। हे मी आपल्याला नम्रपणे नमूद करू इच्छितो। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।